गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आज हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोग आज फिर से जेंडर करेंगे। जैसे आपको लगता होगा कि जेंडर तो हम पहले किए हैं, है ना, तो आज हम जेंडर चेंज करने के लिए इनको सेंटेंस में सीखेंगे। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन इसकी रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ सबको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको रिवीजन में खुद से पूरा आंसर राइट करने के लिए दूंगी। इसमें यही एक चीज चेंज है, जैसे पहले था आपको सिर्फ अंडरलाइन वर्ड को चेंज करना था, आज आप खुद से पूरा सेंटेंस भी राइट करोगे और अंडरलाइन वर्ड जो होंगे उनको भी चेंज करना है। ऐसे मैं सारा 10 नंबर तक आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से सुनोगे ताकि आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़े। ओके, स्टार्ट करें। चेंज द जेंडर ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करना है। अंडरलाइन द वर्ड्स, जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है सिर्फ आपको उसी को चेंज करना है सेंटेंस में, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आप खुद से सेंटेंस भी पूरा राइट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है, जैसे नंबर वन में देयर इज नो क्वीन इन इंडिया। ठीक है, जैसे भारत में कोई रानी नहीं है। ठीक है, तो अंडरलाइन किसको किया गया है? क्वीन को। क्वीन का जेंडर क्या होता है सब बच्चों को पता है, बहुत इजी है। क्वीन किंग या किंग क्वीन। ठीक है, तो एक मैं आपको राइट करके दिखा देती हूं। जैसे यहां क्या है, देयर देयर इज नो नो देयर इज नो, चेंज क्या करना है, क्वीन। क्वीन का क्या राइट करोगे, किंग। किंग की स्पेलिंग के आई एन जी, बस इन इंडिया। ठीक है बेटा, तो इस सेंटेंस में आपने क्या देखा कि सिर्फ अंडरलाइन वर्ड को हमने चेंज किया है, बाकी कुछ भी सेंटेंस में चेंज नहीं आया है। ठीक है, नंबर टू में है द काउ इज ईटिंग ग्रास। गाय घास खा रही है। ठीक है, तो इसमें किस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, काउ। अब इसी को आपको चेंज करना है, पहले इसका सोचोगे काउ का क्या आएगा, बुल। बुल की स्पेलिंग बी यू डबल एल, बुल। बस आपको इतना ही करना है। यहां पे आप कैसे राइट करोगे, द बुल इज ईटिंग ग्रास, है ना इजी। आपको सेंटेंस राइट करने भी आ जाएगा, है ना, तो इसमें आप जेंडर भी चेंज कर लोगे। नेक्स्ट है फादर कुक्स द फूड। यहां कितने वर्ड अंडरलाइन है, ओनली वन, है ना, बस उसी को आपको देखना है। जैसे फादर का क्या आएगा, मदर। फादर का मदर, और आपको यहां बस चेंज कर देना है, मदर कुक्स द फूड। ठीक है, और नंबर फोर में है योर अंकल, यू एन सी एल ई, अंकल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आपके अंकल गाना गा रहे हैं, तो किसको अंडरलाइन किया गया है, अंकल को। और अंकल का जब जेंडर चेंज करते हैं तो क्या राइट करते हैं, अंकल का क्या आता है, आंट। आंट की स्पेलिंग ए यू एन टी, आंट। तो आप कैसे राइट करोगे, योर आंट इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है नंबर फाइव, मिस्टर राम हैज टू डॉटर्स। तो इसमें किसको अंडरलाइन किया गया है, डॉटर्स को। डॉटर का क्या आता है,
सन, लेकिन यहाँ पे डॉटर्स हैं तो हम भी सन का क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, सन्स। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर राम हैज टू सन्स, राइट। नंबर सिक्स, ग्रैंडपा इज स्लीपिंग, दादाजी सो रहे हैं, तो किसको अंडरलाइन किया गया है, ग्रैंडपा को। इसका क्या आपको राइट करना है, ग्रैंडमा। तो यहां पे क्या राइट करेंगे, ग्रैंडमा। स्पेलिंग मैंने आपको बता दिए हैं पहले से, बहुत इजी, सबसे इजी सी स्पेलिंग है। ठीक है, जैसे ग्रैंड पा की जगह में मा, एम एम लगाना है पी की प्लेस में और ए, ग्रैंडपा ग्रैंडमा इज स्लीपिंग। नेक्स्ट है, अ सर केम इन आर क्लास, तो किसको चेंज करना है, सर, सर का जेंडर मैम, तो कैसे राइट करोगे, अ मैम केम इन आर क्लास, है ना बेटा, इजी सेंटेंस आपके पास पहले से राइट किया गया है, आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है और सिर्फ आपको जो जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है उसी को चेंज करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सेंटेंस रीड करोगे फिर कोशिश करोगे उसका मीनिंग समझने का, नहीं पता चलेगा तो घर में किसी से भी पूछ सकते हो, है ना, जिसके पास आप बैठ के अपना ये जितना भी आपके पास वर्क आता है करते हो तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, द प्रिंस इज हैप्पी, प्रिंस मीन्स राजकुमार। साथ ही साथ बेटा आपको वर्ड मीनिंग भी लर्न कर लेने हैं, है ना, ऐसे नहीं कि यहां से चीटिंग किए और पूरा पूरा लिख के छोड़ दिए, आपको उसकी डिस्कस करनी है, अगर नहीं पता चल रहा है फिर भी पूछना है, ऐसे मैं यहां बता ही रही हूं। जैसे प्रिंस होता है राजकुमार, और राजकुमार और राजकुमारी की इंग्लिश क्या होती है, प्रिंसेस, ये भी बहुत ईजी है ना, तो इसमें भी अक्सर बच्चे काफी गलत कर देते हैं, या तो ई छोड़ देते हैं, है ना, या फिर सिंगल एस लगाते हैं, इसमें क्या राइट करेंगे, द प्रिंसेस, प्रिंसेस कैसे राइट करना है, पहले ये प्रिंस राइट कर लेना है फिर ओनली आपको डबल एस लगा देना, ठीक है, द प्रिंसेस इज हैप्पी, राजकुमार खुश है, राजकुमारी खुश है। नेक्स्ट है, ही इज माई नेफ्यू, अब यहां पे आपको टू वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, अब पहले इनका आप जेंडर सोच लोगे उसके बाद इसको राइट करना है, कैसे, जैसे ही का क्या आता है, शी, एस एच ई, शी इज माई नेफ्यू, नेफ्यू का क्या आएगा, नीस, एन आई ई सी ई, एन आई ई सी, नाइस, ठीक है बेटा, तो इसमें आपको टू वर्ड्स को चेंज करना है। और ये उन बच्चों को तो बहुत आसानी से आ जाएंगे, इससे पहले भी हमने जेंडर टू टाइम्स कर चुके हैं, अगर आपको अच्छे से लर्न होंगे तो यहाँ पे कोई भी गलती होने का चांस नहीं है। लास्ट नंबर है, द मैन इज वॉकिंग विद अ गर्ल, और यहाँ पे भी टू वर्ड्स को आपको चेंज करना है, जैसे मैन का क्या आएगा, वुमन, गर्ल का बॉय, इजी है ना, कैसे राइट करोगे, द वुमन इज वॉकिंग विद अ बॉय, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।